साथियों नमस्कार, मैं धरनेस्थल से रामजीत पटेल 74वें दिन लगातार धरने पर टिके हुए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस का जबरदस्त रूट मार्च, किसी भी तरीके से कोरोना के गाइडलाइन की पालना के लिए जयपुर की सड़कों पर जो रूट मार्च, चेतावनी कि कोरोना ओमिक्रॉन आ गया है और पूरा जयपुर संभल जाइए, लेकिन आपके जज्बे और को सलाम कि राजस्थान के कोने कोने के बैठा हुआ पंचायत सहायक भाई धरना स्थल को लगातार यहाँ से देख रहा है और नजरें टिकाए लगा हुआ है प्रदेश कार्यकारिणी पर कि लगातार जो पुलिस फोर्स मार्च कर रही है, ये संकेत आपको दिए जा रहे हैं कभी भी किसी भी वक्त आपके धरने पर भी कोई ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बरसात इस तरह की आपदाएं तो आ जाएंगी, लेकिन अभी आने वाले समय में सरकार भी कोई षड्यंत्र कर सकती है। इस तरह के पैदल मार्च आपके शहीद स्मारक के गेट से निकलने का मतलब है संकेत लगभग तैयार हैं। कई आरएसी की बसें यहां पर फुल रोल में पैक हो चुकी हैं। लगातार पूरे जयपुर को सतर्क किया जा रहा है। नई गाइडलाइन जैसे ही जारी होगी आपके धरना स्थल का क्या हाल होगा वो आप खुद देख सकते हैं। इसलिए साथियों, आप अगर प्रदेश कार्यकारिणी के किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा कुछ होता है तो राजस्थान के कोने कोने में जन आंदोलन को बढ़ावा देना है। राजस्थान के एक एक आईटी केंद्रों, दफ्तर पर, जिला मुख्यालयों पर धरने चालू हो जाने चाहिए जब तक आपके प्रदेश के नेताओं को रिहाई नहीं मिल जाए। हमें उम्मीद है राजस्थान के जननायक महोदय इस तरह का काम नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार आपके नेताओं को धमकाया जा रहा है, लेकिन आपके नेताओं ने खुली चेतावनी दे रखी है। इस बरसात के मौसम में भी पूरा शहीद स्मारक लगभग खाली है, सिर्फ आपका धरना रुका हुआ है। आप देख सकते हैं शहीद स्मारक की कंडीशन, लेकिन आपके संघर्ष के एकमात्र आपका बैनर शहीद स्मारक के बाहर आज दिख रहा है। साथियों, ये कोई जन आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये जन आंदोलन 27,000 तमाम उन पंचायत परिवारों के लिए जन आंदोलन खड़ा हुआ है। और इस जन आंदोलन की आग जब राजस्थान के कोने कोने में चाहे सरकार किसी भी तरह के षड्यंत्र करे, सफल नहीं होने दिया जाएगा जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता है। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक।